बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेगा। कांग्रेस घुटने के बल पाकिस्तान के साथ आती थी, उन्हें लगता था कि उनका जो तुष्टीकरण का वोट है वो खराब हो जाएगा यदि पाकिस्तान से रिलेशन नहीं रखेंगे, उनको लाहौर जाना है तो यहां के तुष्टीकरण के वोट को संतुष्ट करने के लिए पूरे देश में ब्लास्ट करवाते थे, आतंकवाद चलता था। मोदी के दौर में वो आतंकवाद खत्म हो गया। जो मोदी घोर मोदी विरोधी उन्हें भी समझ में आएगा, हम लोग बतौर रिपोर्टर आतंकवाद को कवर करने के लिए देश के कहां कहां नहीं जाना हुआ। दिल्ली में इतने आतंकवाद होते थे कि बाहर कहां जाएंगे, इतने ब्लास्ट होते थे। ये देश ये सब कुछ भूल चुका, आतंकवाद भूल चुका, सीरियल ब्लास्ट भूल चुका, तो पाकिस्तान भिकमंगा हो गया क्योंकि उसी से कमाई थी। तो हम तब तक तो सिर्फ यही कहते थे कि हम बातचीत नहीं करेंगे। आज भारत ने ये कह दिया कि आतंकवाद और पानी एक साथ, मतलब तुम्हें हम पानी पिला के जिंदा रखें ताकि तुम हमारे आतंकवाद करो। ये तो नया ही नैरेटिव है, ये डिटर्मिनेशन क्या दिखाता है। तो दुनिया कहेगी मोदी जी आप पानी नहीं रोक सकते किसी का, प्यासे नहीं मार सकते, लेकिन राक्षसों को पानी पिलाकर कैसे जिंदा रखा जा सकता है। तो नया नैरेटिव एक तरह से तय कर दिया सरकार ने, नया नैरेटिव ने तय कर दिया। मनीष जी, प्रधानमंत्री मोदी कोई काम अचानक तो करते ही नहीं है, ये कोई काम अचानक नहीं करते हैं। जरा मैं बता दूं, पिछले साल जनवरी 2023 में भी एक नोटिस गया था पाकिस्तान को, लेकिन तब प्रधानमंत्री मोदी ने नोटिस भेज के उसके बाद शांति कर ली थी, कोई उसको आगे परसू नहीं किया था। और वो बात आई गई हो गई थी, पाकिस्तान समझा था कि शायद ऐसे ही कोई बातचीत हो रही है और भारत डराने धमकाने वाली बात कर रहा है। लेकिन अब मनीष जी 30 अगस्त को दोबारा भेजा, और जरा प्रधानमंत्री मोदी की हर बात तो कुछ बहुत सोच समझ के होती है कि अब की जो भेजा है तो वो 30 अगस्त को भेजा, लेकिन 18 दिन वो चुप रहे, एकदम चुप रहे, और पाकिस्तान फिर उसको समझ रहा था, उसको वो 23 जनवरी 2023 की नोटिस समझ रहा था, यानी आज से 18 महीने पहले की, 17-18 महीने पहले की, कि वैसे ये भी होगी। लेकिन अब उन्होंने उसको सार्वजनिक कर दिया है, अब उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है, और हमारे विदेश मंत्री बोल रहे हैं, हमारे और अन्य मंत्री बोल रहे हैं, हमारे अब तो अभी मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री भी बोलेंगे। और अब भारत ने कहा है कि आओ हमारे साथ टेबल पर बैठो, अब हम तुमसे जरा इस पर समझौते में दोबारा बात करेंगे। लेकिन इस समझौते में मनीष जी हम लोग बात करें या ये समझौता क्या है इस पर बात करें, इससे पहले जरा समझिए कि हमारे देश को ये जो पाप है, ये पाप है और ये महापाप है, इसको 140 करोड़ लोग भोग रहे हैं। इस पाप का जिम्मेदार केवल एक आदमी था, उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि सारी दुनिया ये कहती है, और उस समय तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन अगर उस दौर की किताबें पढ़िए या इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़िए, तो उस समय पूरी दुनिया चौंकी थी कि ये कैसा समझौता नेहरू ने किया है अयूब खान के साथ, कि एक तरह से भारत ने अपना हिस्सा उठाकर नेहरू को दे दिया। और ये कब दिया था, जब वो हमारा 13-14 हजार किलोमीटर कश्मीर कब्जा के बैठा हुआ था, उस समय नेहरू ने कुकर्म किया था कि उसको उठाकर दे दिया था पाकिस्तान को। और ये 19 सितंबर 1960 को मनीष जी ये ट्रीटी साइन हुई थी, तो अब कल 19 सितंबर कल है, तो यानी 64 साल नेहरू के उस महापाप की जयंती होगी उस दिन, वो एक उसका फैसला होगा। ये दर्शक देख लें, ये उसी समय की फोटो है उस ट्रीटी की, अभी मैं बताता हूं इसे पढ़ के। और इस पर मनीष जी मैंने एक और डाला है कि वो जो प्रधानमंत्री वो जो इन्होंने समझौता किया है वो कितना एक तरह से देश के साथ छल किया था नेहरू ने। हाँ ये वाला जो है मनीष जी, ये पहली वाली, पहले इधर वाली खबर दिखा दीजिए पहली, उसके बाद फिर दूसरे पर हम लोग बात करते हैं। पानी की बूंद बूंद तरसेगा पाकिस्तान, नेहरू अयूब खान के 64 साल पुराने समझौते पर मोदी सरकार ने लिया फैसला। अब प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला ले लिया है, और ये सिंधु नदी के जल की बात हो रही है, इसमें मनीष जी कायदे से पूरा कब्जा एक तरह से भारत का होना चाहिए था, और नेहरू उसको दे गया था कि 20% पानी हम रखेंगे, 80% पानी तुम चलाओगे, और ये सिंधु नदी जो है ये एक तरह से लाइफ लाइन है पाकिस्तान की, अगर इसको रोका भारत ने तो पाकिस्तान प्यासा मरना शुरू हो जाएगा। वहां किसान जो है अभी जब ये जल जा रहा है तब तो वहां एक एक किलो आटे के लिए लग रहे हैं वो सड़क के ऊपर, और ये पानी अगर रुक गया तो उसके बाद पाकिस्तान के वहां क्या हाल होगा जरा आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने फिर अब फैसला कर लिया है और कहा कि आप आगे सामने बैठे। और सबसे खास बात दर्शक ये समझ लें कि ऐसा नहीं है कि ये कोई अवैधानिक है या कोई जबरदस्ती प्रधानमंत्री मोदी गर्दन दबा के उससे कह रहे हैं, ये जो समझौता हुआ था इसकी एक शर्त है मनीष जी, इसमें क्लास 12 है
कि आपको ये बीच में कभी भी आप बैठकर अगर दोनों देशों में कोई बात आती है तो उस पर बैठकर बात होगी और दोबारा इस समझौते पर दोबारा पुनर्विचार किया जाएगा। तो वो प्रधानमंत्री मोदी ने मौका दिया है और तब से कांग्रेस पाकिस्तान को सांप सूंघा हुआ है, वो कुछ जवाब नहीं दे रहा, वो चुप्पी साधे अभी बैठा हुआ है। भारत ने नोटिस भेज दिया है, नोटिस नोटिस भेज दिया है उसको, और ये पूरे पाकिस्तान में इस बात को लेकर के बेचैनी है। हमेशा पाकिस्तान अपर हैंड होकर के ये जिहादी उन्माद फैलाता था, अब बहुत हुआ। सिंधु जल समझौते को लेकर भारत ने पाकिस्तान से कह दी ये बात, ये पूरा एक तो अब जरा इसको पढ़े दे रहा हूँ, ये डिटेल में है कि भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो दोनों देशों के बीच हुए एक पुराने समझौते सिंधु जल संधि में बदलाव चाहता है। यह समझौता दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे में है। भारत का कहना है कि इस समझौते के बाद से बहुत कुछ बदल गया है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने 30 तारीख को भारत ने सिंधु जल समझौते की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस दिया है। और ये लाइन जो है मनीष जी सबसे खास बात है कि संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत इसकी व्यवस्थाओं को समय समय पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत के जरिए संशोधित किया जा सकता है। तो ये कोई भारत सरकार कोई अवैधानिक काम नहीं कर रही, कोई समझौता तोड़ नहीं रही, ये उसकी शर्तों में है। तो अब पाकिस्तान को आगे बैठना पड़ेगा इसके ऊपर। और अभी अभी बताऊंगा मनीष इसमें खेल क्या है। भारत के इस कदम के पीछे विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत के साथ विवाद किया है। उसने भारत के कई जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध किया है। पाकिस्तान से भारत में आतंकवादी हमले होते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि सिंधु जल संधि में उनके हितों की अनदेखी की गई है। ये नेहरू के कुकर्म है, ये अनदेखी की गई है। वहीं पंजाब और हरियाणा इन राज्यों को लगता है कि वे सिंधु नदी के पानी का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। भारत का कहना है कि जब यह समझौता हुआ था तब की स्थिति अब नहीं है। देश की जनसंख्या बढ़ गई है, खेती के तरीके बदल गए हैं और हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है। जम्मू कश्मीर में लगातार सीमा पार से आतंकवाद इस संधि के सुचारू संचालन में बाधा पहुंचा रहा है। इस वजह से भी इस समझौते पर फिर से विचार करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने अभी तक इस पर इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। तो यह है पूरा मामला। तो आप बताता हूँ मनीष जी कि ये भारत अब क्यों अडिग हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपके कार्यक्रम में ही हम लोगों ने बात की थी आज से 2-3 साल पहले। अब मुझको ढूंढना पड़ेगा वो वीडियो। तो ये मैंने कहा अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कोई भी काम अचानक नहीं करते कि जैसे कहते हैं ना उठाई जवान दय मारी, जिस तरह की ये बात कर रहे हैं। तो याद करिए मनीष जी उस समय पंजाब में और जम्मू क्षेत्र में कुछ नहरें बनना शुरू हुई थी और नहरों का बड़ा लंबा जाल बिछ रहा है। तो मैंने कहा था ये पाकिस्तान को आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए काल बनेगी ये नहरें, क्योंकि आप पानी ऐसे नहीं रोक सकते। अगर आप पानी पानी बह के पाकिस्तान की तरफ जा रहा है उसको आप रोक दोगे तो पानी ले कहाँ जाओगे? उसको 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 रोकने के लिए आपको इंतजाम करना पड़ता है। तो ये काम मैं दर्शकों को बता दूं कि मेरे ख्याल से 3 साल हो गए। मैं उस समय मेरा 2021 का मेरे ख्याल से शुरुआत थी हमारी मनीष जी के साथ। उस समय ये मैंने कहा था कि ये जो नहरों बनने की खबर है छोटी सी खबर थी, वो ये प्रधानमंत्री मोदी बहुत आगे की तैयारी कर रहे हैं। वो आगे की तैयारी क्या थी ये अब समझ में आ रहा। तो इसका मतलब वो जो पानी रोकने का इंतजाम है वो काम वो कर चुके, अब पानी केवल रोकना बाकी है। कितना दिया जाना है कितना नहीं दिया जाना है पाकिस्तान को ये करना है। और ये मैं ढूंढूंगा, कोशिश करूंगा निकाल के दूं कि वो कल परसों अगर मिल जाता है मुझे बताऊंगा। ये 3 साल पहले भारत ने तैयारी शुरू कर दी थी और अब जब वो तैयारी हो गई है कि वह पानी किसी भी समय रोक सकते हैं, तब पाकिस्तान को नोटिस दिया गया है और इसीलिए उसको सांप सूंघा वो चुपचाप बैठा हुआ है। और इसकी जड़ में वो जो बैठा है वहां पे अमेरिकी कठमुल्ला बांग्लादेश में जो कह रहा है कि एटम बम लेके पाकिस्तान से भारत फेंक दो, दूसरा बता रहा है कि वहां गौरी मिजाइल तैनात कर दो। तो अब वो गौरी मिजाइल कब मिलेगी और एटम बम वो कब देगा बांग्लादेश को, ये तो बात की बात है। अब अपने पानी के लिए तरसना उसकी चिंता आज तक पाकिस्तान की शुरू हो गई। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जो आगे की सोचते हैं, 3-4 साल आगे की सोच के काम करते हैं, उसका नतीजा ये होता है जो अब हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, ये साफ संदेश हो गया है कि कुछ भी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन वाला ये प्लान सालों की तैयारी, ऐसा नहीं कि ये एकाएक कह दिया कि हम 29 में करेंगे।
इसकी तैयारी सालों से चल रही है। हाँ, और ये नहीं, क्योंकि इससे पहले संसद बनाना है, सीटें बढ़ानी है, तो ये जो पार्लियामेंट बना है ये सब उसकी तैयारी का हिस्सा है जो 2029 में होना है। हाँ, और ये मैं बता दूं मनीष जी, ये जो अभी जो आदमी उस कमेटी में था हरीश सालवे, उनको शंका हो रही, उनको वो पूरी तरह से मुझे आश्वस्त नहीं दिखाई दिए कि ये बिल पास हो जाएगा संसद के अंदर, क्योंकि जो आवश्यकता तो उनका 70-80 सांसदों की उनको जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी को अगर जरा सा भी ये होता कि हम इसको पास नहीं करा पाएंगे, तो ये बिल, इस बिल पे कोई हल्ला ही ना करता, चुपचाप वो बैठे रहते कि चलो देखा जाएगा, इसको अगले टर्म में देखेंगे। तो वो जो अभी मनीष जी ने आपने कहा कि वो इसका मतलब कुछ तैयारी हो चुकी है, हो चुकी कुछ तैयारी, कुछ तैयारी हो चुकी है। अब वो बिल कब आएगा, कैसे पास होगा और क्या दिखाया जाएगा, ये तो हम लोग आने वाले समय में देखेंगे, आने वाले समय में देखेंगे। तो निश्चित रूप से साफ हो रहा है कि जो दोनों हम लोगों ने खबर की बात की, इसकी तैयारी बहुत पहले से है। वन नेशन वन इलेक्शन। पानी वाले को तो मैं मनीष जी मैं 100% श्योर, क्योंकि मुझको याद है कि मैंने कहा था, मैंने फेसबुक पे भी उस समय लिखा था, वहीं मैंने कहा मैं ढूंढूंगा मुझे मिल जाएगा, कि ये 3-4 साल पहले से वहां नहर बंधना शुरू हो गई थी, वो जैसे दूसरा टर्म हुआ था कि वो पानी रोकेंगे। आप जरा गौर करिए, आप पानी रोकेंगे तो मनीष जी ले कहां जाएंगे, आपके बाढ़ तो वो पानी रोकने के लिए आपको इंतजाम होना चाहिए, तो वो इंतजाम वो कर चुके, वो इंतजाम वो कर चुके। अब पाकिस्तान को समझना है कि कैसे निपटा जाए।